बहुत सारे लोगों को ना फॉलोअप करने में प्रॉब्लम आती है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे आप फॉलोअप कर सकते हो सही तरीके से, ठीक है, उसका फंडामेंटल क्या है। लेट्स डू इट। बस आज हम बात करते हैं फॉलोअप। देखो, कई बार हमें लगता है कि अगर हमारा डे वन अपग्रेड हो गया, चेंज हो गया, तो हमें पर्सनली ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं फिर दोबारा सब कुछ करना पड़ेगा, फिर दोबारा हमें फॉलोअप कैसे लेना, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग मोस्टली। तो यार, कंफ्यूज होने वाली कौन सी बात है, जब फंडामेंटल सेम रहते हैं तो फिर वीडियो चाहे जितनी मर्जी अपग्रेड हो। देखो, जो फंडामेंटल है फॉलोअप का वो तो सेम ही रहेगा, ऑलवेज सेम, जो मर्जी आ जाए। इसका एक फंडामेंटल मैं आपको फॉर्मूला देता हूं, बहुत सिंपल है। देखो, ये फॉलोअप क्या होता है, ठीक है, फॉलोअप मींस क्या, तीन चीजें होती हैं फॉलोअप के अंदर। क्या क्या चीजें होती हैं, पहली चीज अगर हम बात करें यहां पे तो पास्ट, यानी कि पास्ट, दूसरा है हमारा प्रेजेंट, और तीसरा है फ्यूचर। ठीक है जी, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब पास से मतलब क्या है यहाँ पे, पास से सिंपल मतलब मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे, कि जो भी पर्सन है आपका, जो भी प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, वो उसने जो भी उस सेशन में देखा, जो भी उस सेशन में देखा, उसका रिव्यू लेना, क्योंकि वो ऑलरेडी देख चुका है सेशन, इसलिए अपने को पूछना है, क्रॉस चेक करना है कि क्या उसके माइंड में कुछ गया या नहीं गया, या वो वैसे ही स्किप करके आ गया वीडियो, या उसने देखा ही नहीं सेशन और वो आपको झूठ बोल रहा है। पहला काम हमें उसका पास्ट यानी कि उसका रिव्यू जो है वो चेक करना है, ठीक है जी। उसके बाद उसको आपने पूछना है कि आपको सबसे बेस्ट उसमें, उसको प्रेजेंट में लेके आओ। पहले तो उससे पूछो क्या देखा था, यहाँ पे था वर्ड यूज हो रहा है, क्या देखा था, ठीक है। अब उससे पूछो, आप नेक्स्ट प्रेजेंट में उसको लेके आओ और उससे पूछो कि उसमें से आपको सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा लगा, तो वो अब एक्सप्लेन करेगा कि मुझे ये सबसे बेस्ट पॉइंट जो है वो लगा सेशन में, ठीक है। ये चीज आपने उससे पूछनी है, ये प्रेजेंट हो गया। और फ्यूचर का मतलब क्या होता है कि अब उसको कोई टास्क देना आगे, अभी वो एक टास्क कंप्लीट करेगा, ठीक है जी, और उसी टास्क के ऊपर जो है वो आपने फ्यूचर मतलब आपने बोला कि ठीक है, आपको आपने सेशन में ये देखा, उसमें सबसे बढ़िया आपको ये लगा सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे आपने आप उसको फ्यूचर के बारे में, यानी कि उसको टास्क दोगे फोन कट करने से पहले, कोई भी कॉल हो, इन तीनों फंडामेंटल्स के बिना वो कॉल जो है वो इनकम्प्लीट है, अधूरी है, कोई फायदा नहीं है, आप उस पर्सन को खो दोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब टास्क में क्या देना, टास्क में तीन चार चीजें हैं जो आप दे सकते हो, जैसे कि ESBI मॉडल जो सबसे बेस्ट है, ठीक है जी, आप ESBI मॉडल उनसे शेयर करो और उन्हें फोन कट करने से पहले नेक्स्ट मीटिंग फिक्स कर दो, ठीक है जी। तो नेक्स्ट मीटिंग मान लो सुबह 11 बजे जो है वो आप उसको कॉल करोगे और इसका जो है वो आप रिव्यू लोगे। फिर सेम चीज यही रिपीट करनी है, तीनों चीजें इस वीडियो में सबसे बेस्ट आपको, पहले आप वीडियो में क्या समझ आया, क्या सबसे बेस्ट लगा, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है जी। तो क्या वीडियो में समझ आया, क्या सबसे बेस्ट लगा, ठीक है। अब फ्यूचर यानी कि कॉल कट करने से पहले हमें हाइप बनानी है, हाइप बना के और फिर कॉल कट करनी है, किसकी, डे टू की, डे टू की। इस तरीके से फिर सेम चीज हर बार रिपीट होगी अंटिल अनलेस जब तक कि वो पर्सन क्लोज नहीं हो जाता। सो ये जो है वो फंडामेंटल है फॉलोअप का। इसमें मैं आपको बताऊंगा, कोई भी ऐसे वीडियो आ जाए मेरे सामने, कोई भी आ जाए, डे वन के अंदर कोई नहीं आ रही है वीडियो, कोई पुरानी आ रही है, डे टू के अंदर पुरानी आ रही है, नहीं आ रही, इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो फंडामेंटल से पड़ता है। तीन फंडामेंटल्स कौन कौन से, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। ये तीन चीजें होनी चाहिए, और बिना हाइप क्रिएट करे और टास्क दिए बिना उसका फोन मत काटना, ये एंड में जरूर आपने ध्यान रखना। तो आप बेस्ट फॉलोअप कर पाओगे किसी भी हाल में। ऑल द वेरी बेस्ट।